आज हम सुजय अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर में रिक्वायर्ड अर्थ कैसे सेट करते हैं वह देखेंगे। उससे पहले अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर्स के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। यह आरएच कंट्रोलर और डिस्प्ले है, यह आरएच सेंसर, यह फैन और यह मिस्ट आउटलेट। फिर हम अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर ऑन करेंगे। अभी जो वैल्यू दिखा रही है वो रूम की करंट ह्यूमिडिटी है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी कोई भी की दबाएंगे तो कोई असर नहीं होगा क्योंकि पैनल लॉक है। पैनल लॉक का सिंबल यहाँ दिखाता है, तीसरी लाइट ऑन है। पैनल को अनलॉक करने के लिए डाउन एरो 2 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे। हम पैरामीटर सेटिंग में एंटर हो गए हैं। इसको स्क्रॉल करते हुए हम एलपी में जाएंगे। एलपी मतलब लॉक पैनल। लॉक पैनल में जाकर यहाँ वैल्यू 1 स्टोर है, इसको डाउन करके हम 0 कर देंगे और सेट दबा देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं पैनल अनलॉक हो गया है। अब हम पैरामीटर सेटिंग से बाहर निकलने के लिए स्क्रॉल करते हुए ईपी में जाएंगे। ईपी मतलब एंड प्रोग्रामिंग। एंड प्रोग्रामिंग में जाके हम सेट बटन दबा देंगे। अब हमें रिक्वायर्ड आरएच सेट करने के लिए सबसे पहले सेट बटन को 2 सेकंड के लिए दबाना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ वैल्यू 90 शो हो रही है, जो अभी तक रिक्वायर्ड आरएच आपने सेट की है। इसे हम डाउन करके 85, 80, 75, 70 कहीं भी लेके जा सकते हैं, बट अभी हम इसको वापस 90 पे सेट कर देंगे। फिर सेट दबा देंगे और कोई भी इस सेटिंग को ना बदले इसलिए हम पैनल को वापस से लॉक कर देंगे। उसके लिए फिर से डाउन एरो को 2 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे। फिर हम एलपी में जाएंगे, सेट और वैल्यू 1 कर देंगे और फिर एलपी से बाहर निकल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पैनल लॉक हो गया है। अब प्रोग्रामिंग मोड से बाहर निकलने के लिए ईपी में जाके हम सेट दबा देंगे। थैंक यू।